हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जेपी होम्स में। आज का जो हमारा हाउस प्लान रहेगा वो 27x38 का रहेगा। आज का जो हमने हाउस डिज़ाइन किया है वो सुनीता मिश्रा जी के लिए डिज़ाइन किया है, जो कि उत्तर प्रदेश कानपुर की रहने वाली हैं। आपको हमारा एलिवेशन का डिज़ाइन कैसा लगा कृपया कमेंट में बताएं। चलिए अब हाउस का ओवरव्यू देख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने हाउस के दोनों साइडों में पैसेज छोड़ रखा है ताकि घर का प्रॉपर तरीके से वेंटिलेशन होता रहे। अगर आपको भी हमसे अपने घर का नक्शा बनवाना है तो स्क्रीन पर दिए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लखनऊ में रहते हैं तो हमसे आप अपने घर का सिविल और इंटीरियर वर्क दोनों करा सकते हैं। चलिए अब घर के अंदर का वॉक थ्रू देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस घर में आप कार और बाइक दोनों आराम से पार्क कर सकते हैं। हमने इस घर में दो एंट्रेंस दे रखे हैं, एक जो मेन एंट्रेंस है और दूसरा जो ड्राइंग रूम में सीधे ओपन होता है। चलिए पहले ड्राइंग रूम का एंट्रेंस देखते हैं। ड्राइंग रूम में आप 6 से 7 लोगों को आराम से बैठा सकते हैं। ड्राइंग रूम की डिज़ाइन आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं। चलिए मेन एंट्रेंस की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने साइड में शू रैक भी दे रखा है। ये इस घर का किचन है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने मॉड्यूलर किचन दे रखा है और इस किचन का वेंटिलेशन पैसेज से हो रहा है। ये मंदिर का एरिया है। मंदिर का डिजाइन कैसा लगा कृपया कमेंट में बताएं। ये इस घर का बेडरूम है। बेडरूम में हमने सामने की तरफ वार्डरोब और ड्रेसिंग टेबल दे रखी है और बेड के सामने हमने टीवी यूनिट दे रखी है। अगर आपको ये नक्शा अच्छा लगा हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके ये नक्शा डाउनलोड कर सकते हैं। ये इस घर का कॉमन वॉशरूम है। अब फर्स्ट फ्लोर की तरफ चलते हैं। इस घर में आपको वेंटिलेशन की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है क्योंकि हमने प्रॉपर तरीके से वेंटिलेशन दे रखा है इस घर में। ये इस फ्लोर का कॉमन वॉशरूम है। ये इस घर का सेकंड बेडरूम है जैसा कि आप देख सकते हैं। ये मास्टर बेडरूम है। हमने साइड में ड्रेसिंग एरिया दे रखा है और इस रूम में हमने अटैच वॉशरूम भी दे रखा है। और हमने इस रूम में अटैच बालकनी भी दे रखी है जैसा कि आप देख सकते हैं। ये सेकंड बालकनी है जो हमने घर के सामने की ओर दे रखी है।
हमने इस घर में टेरेस गार्डन भी देख रखा है जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।